दरअसल आपको बता दें, अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत करके एनसीपी को विभाजित कर दिया है। एनसीपी में बगावत करने के बाद अजीत पवार ने अपना एक अलग गुट बनाया है। आपको बता दें, एनसीपी में वोट के बाद अजीत गुट ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यही नहीं, उनके साथ कई एनसीपी विधायकों ने भी अजीत गुट का समर्थन किया है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर सामने आई है कि शरद पवार आज चुनाव आयोग को अपना जवाब नहीं सौंपेंगे। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से 4 हफ्ते की मोहलत मांगी है। इस बीच शरद पवार के गुट ने एक मेल भेजकर कहा था कि अजीत पवार के गुट ने कौन कौन से दस्तावेज दिए हैं उनकी सूची दे ताकि हम उनका जवाब दे सकें, लेकिन चुनाव आयोग से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। अब शरद पवार गुट ने फिर 4 हफ्ते की मोहलत मांगी है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों समूहों को अपना जवाब देने के लिए आज गुरुवार तक का समय दिया है। वहीं आपको बता दें, एनसीपी में टूट के कई दिनों तक महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल रही। कई नेताओं के बयान सामने आए, लंबा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इसके बाद शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने माना कि वो खतरे को भापने में नाकामयाब रहे। शरद पवार ने कहा, मैंने गलत अनुमान लगाया, मुझे पार्टी में हो रहे घटनाक्रम का एहसास नहीं हुआ, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। ये ओला कस्बे में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह नासिक में किसी की आलोचना करने नहीं आए हैं, बल्कि जिले के लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं जिन्होंने हमेशा उनका समर्थन किया है। जिस तरह से उनकी पीठ पीछे एनसीपी विभाजित हो गई और वहाँ अंधेरे में रहें।